ना दोस्तों, ऐसा बंदा कहीं नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ रह रहा है फिर भी घर पे ना माँ की चिंता बहुत ज्यादा है। माँ के लिए दोस्तों आदित्य आरुषि को भी स्कूल से बढ़िया से ले आए हैं। फिलहाल आदित्य आरुषि, ये बताओ क्या आज तुम्हारा पहला दिन था, तो कैसा लगा? बिल्कुल, आप बिना ज्यादा से ज्यादा जो दिल्ली से वीडियो देख रहे हैं ना, तो गढ़वाल भवन में जरूर आना और जरूर मिलेंगे गढ़वाल भवन में। तो आप सबका भी अगर प्लान बने तो जरूर से वहाँ आना और फिर वहाँ सब मिल भी लेंगे। वैसे भी आप सबके बहुत सारे कमेंट है कि मिलने आओ मिलने आओ। दोस्तों ठीक 10 बजने वाले हैं और अभी भी देखो यहाँ लोग ना बढ़िया से लगे हुए हैं खेलने पे। उस साइड को दोस्तों बढ़िया से वॉलीबॉल वगैरह चल रहा है। बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया है, एक आईक्यू से ज्यादा ही पढ़ लिया है, तो इसीलिए मेरे सर में अब जगह नहीं बची और कुछ अरे आपकी वीडियो देखी थी मैंने, जैसे इसके डाली थी स्टोरी पे। अच्छा अच्छा, अच्छी वीडियो थी। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। बता दो आपको शेयर किसने की थी। पहाड़ों में तो दोस्तों 9:30 बजे कोई बाहर निकल के दिखा दे वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। बाहर रह रहा है फिर भी घर पे ना माँ की चिंता बहुत ज्यादा है। माँ के लिए दोस्तों हाँ देखो भाई, दोस्तों आज है स्कूल का पहला दिन और अपने दोनों अनमोल रतन यहाँ पे स्कूल के लिए रेडी हो गए हैं और लेट भी कर दिया है इन्होंने, तो आज वाले इनको गेट बंद ही मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ना प्राइवेट स्कूलों में अगर एक मिनट भी लेट होंगे तो गेट वगैरह बंद हो जाता है। तो गेट मिलेगा इनको, उसके बाद ये घर वापस आएंगे। आओगे क्या? नहीं आओगे? चलो देखते हैं ना क्या होता है। इनका स्कूल हो जाता है दोस्तों 8 बजे शुरू और 8 बज चुके हैं ऑलरेडी। ये दोनों ना दोस्तों अपनी खोपड़ी इतनी तेज चला रहे हैं, मुझे शॉर्टकट रास्ते चला रहे हैं और शॉर्टकट होगा कि नहीं होगा कुछ पता नहीं है। है आदित्य शॉर्टकट है? और इनको बोल रहा हूँ बैग दे दो मेरे पास, और बैग भी नहीं दे रहे हैं और मेरे बैग लेके आ गए दोनों के दोनों। है बहुत खतरनाक है भाई दोस्तों। तो होता है ना जब नया नया बैग रहता है तो उसको ले जाने का मतलब मन करता है बहुत, इसीलिए ना ये बैग नहीं दे रहे मेरे पास। क्यों नहीं दे रहे तुम बैग? अच्छा लग रहा है क्या? भाई दोस्तों स्कूल भी पहुंच गए हैं और गेट बिना किस्मत में देखो इनका खुला है, नहीं तो प्राइवेट स्कूलों में आपको पता ही है भाई सीधा बंद कर देंगे। जल्दी जाओ, बाय बाय। चलो भाई दोस्तों, अभी आदित्य आरुषि को स्कूल छोड़ के भी आ गया हूँ और अब निकलता हूँ सीधा घर की तरफ, बाकी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में, दिल्ली के इस खूबसूरत शहर से और इस प्यारे से नगर आई नगर से। फिर ना दोस्तों सुबह के ठीक 8:30 का टाइम हो गया है और सुबह सुबह का काम तो वही था आदित्य आरुषि को स्कूल छोड़ने का, आज उनका फर्स्ट डे था और आज उनके लिए थोड़ी सी लेट हो गई, क्योंकि हो जाता ना पहले दिन ही लेट हो ही जाता है, क्योंकि आदमी हो ना जब आदमी 10-15 दिन से सो रखा होता है तो उसको ना जल्दी नहीं उठ पाता आदमी, तो इसलिए उनको थोड़ा सा लेट हो गया था। आगे दोस्तों सुबह का माहौल बड़ा शांत सा माहौल और इधर साइड ना मंदिर होगी तो वहाँ पे बढ़िया से पूजा चल रही है, तो ओम नमः शिवाय। और मिलिए भाई दोस्तों हमारी जादू से, तो गुड मॉर्निंग जादू। उठ गया आप? क्या कर रहे हो तब? अच्छा फोन चला रहे हो, चलाओ चलाओ तब है। दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपको कहा था ना कि ये जो टेंट है उनको बढ़िया से अनबॉक्स करेंगे, क्योंकि इनको देखना भी है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम होगी तो वापस करना है, अगर गांव चला गया ना एक बार तो कोई प्रॉब्लम रहेगी फिर कहां से दिल्ली ला पाऊंगा, तो इसीलिए ना इसको देखते हैं खोल के कि कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है, तो इसको अनबॉक्स करते हैं बढ़िया से। दोस्तों मैंने इसको खोल दिया है और सबसे पहले आपको इसमें देखने को मिलेगा ये सारी चीजें बनी हुई है, इसको देख के ना आप पूरा टेंट खोल सकते हो। दोस्तों ये वाला जो टेंट है ना यहाँ बिल्कुल भी अनबॉक्स नहीं हो सकता, इतना बड़ा है कि ये पूरे कमरे में बिछ रहा है, यहाँ से और यहाँ तक भी जगह नहीं है, मतलब बिल्कुल जगह नहीं है, तो यहाँ पे तो ये अनबॉक्स होगा नहीं। तो अब जब घर जाऊँगा ना दोस्तों तभी दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ ना बिल्कुल भी छत नहीं है, तो थोड़ी सी बस क्वालिटी देख रहा हूँ कैसी है और ये देख रहा हूँ कि बस कहीं पे कोई डैमेज तो नहीं है। ये वाली चीज़ ना कमरे में बिल्कुल भी चेक नहीं हो पाएगी, उसे तो छत पे ही चेक करना पड़ेगा, वो भी काफ़ी बड़ा छत चाहिए, छत वहाँ पे है भी नहीं, तो अब घर जाके ही चेक करूँगा जब फर्स्ट बार कैंपिंग करने जाएंगे उसी टाइम चेक करेंगे। और बाकी ना अभी 1 बजे का टाइम हो गया है तो मैं निकल गया हूँ आदित्य आरुषि के स्कूल की तरफ, तो उनको लेके आना है तो बस वहीं जा रहा हूँ, और शीतल को भी लेके जा रहा हूँ क्योंकि इसको भी रास्ता वगैरह दिखाना है ना, तो बाद में यही लेके आएगी इनको, तो इसको भी रास्ता वगैरह दिखा दूंगा बढ़िया से और फिर इसको याद हो जाएगा तो ठीक है। वैसे तो दिखा तो दोस्तों मैंने इसको 3-4 दिन दिया बट इसको याद ही नहीं हो रहे रास्ते। अभी दोस्तों आदित्य आरुषि को भी स्कूल से बढ़िया से ले आए हैं। फिलहाल आदित्य आरुषि ये बताओ क्या आज तुम्हारा पहला दिन था, तो कैसा लगा? अच्छा गया क्या? नए नए मिल गए? अरे वाह, फिर क्या क्या किया, मतलब क्या क्या पढ़ा? फिर भी पुराने दोस्तों के साथ रहे?
अच्छा तो पुराने नहीं भूलने चाहिए वैसे, हाँ है ना। अरे तू भी पुराने के दोस्तों के साथ ही बैठी, अरे वाह। और मतलब क्या क्या पढ़ा फिर आज, आज क्या क्या पढ़ा? तीन सब्जेक्ट पढ़े, कौन कौन से? ओहो हो, और आदित्य ने? अरे वाह गुड यार। भाग्य अभी दोस्तों ठीक 3:30 का टाइम हो गया है और अब जाके ना थोड़ी सी शांति मिल रही है। अभी तक ना यहाँ बाहर बिल्कुल शोर होने पे लगा हुआ था। ये वाला जो घर है ना दोस्तों, इसका काम चल रहा था और इसकी देखो छत रखी जा रही थी। तो ये वाली जो मशीन होती है ना जिसमें ककरीट और रेत वगैरह मिक्स होता है, यानी पूरा मसाला बनता है ना, तो वो वाली मशीन चल रही थी। तो बड़ा खतरनाक सा शोर कर रही थी। अब जाके थोड़ी सी बंद हो रही है, बाकी छत देखो पूरा का पूरा लेंटर्स में पड़ गया है। और मैं भी लगा हुआ था दोस्तों अभी तक अपने कामों पे, यानी थोड़ा सा कपड़े वगैरह धो रहा था जो कि मैंने अभी बढ़िया से सुखा भी दिया। अभी का मौसम चेक करो भाई दोस्तों, कितना प्यारा सा हो रहा है ना। देखो आसमान में देखो क्या मस्त बादलों के पैटर्न बने हुए हैं। तो ऐसा नज़ारा दोस्तों बहुत ही कम देखने को मिलता है आसमान का। और जो ये झंडा लहरा रहा है ना, बड़ा प्यार सा लहरा रहा है। से भी आ चुके हैं और मेरा दिमाग में आज बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों लगता है आज मैंने कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया है, 1 IQ से ज्यादा ही पढ़ लिया है, क्योंकि आज मैंने बहुत सारी पढ़ाई कर ली तो इसीलिए मेरे सर में अब जगह नहीं बची और कुछ अरे घुसाने के लिए बुक पढ़ने के लिए भी अभी, क्योंकि हमारी बस की ना है बुक खोली, नहीं तो मेरा सर बम फट जाएगा। हाँ तो गाइस मैं ट्यूशन से आ चुकी हूँ, अब हमें भूख लग गई, फिर उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे। अभी दोस्तों ठीक 6 बजे का टाइम हो गया है और यहाँ का मौसम आप चेक करो कितना खतरनाक सा हो गया ना, पूरा गिर चुका है, बादल वगैरह आना शुरू हो गया है। बाकी ना दोस्तों 7 तारीख को ना गढ़वाल भवन में एक बढ़िया सा प्रोग्राम भी होने वाला है। तो आप लोग मेरे साथ पहले से जुड़े होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा। बाकी 7 तारीख को प्लान बन रहा है कि वहाँ जाने का, तो आप सबका भी अगर प्लान बने तो जरूर से वहाँ आना और फिर वहाँ सब मिल भी लेंगे। वैसे भी आप सबके बहुत सारे कमेंट है कि मिलने आओ, तो एक ही बारे में इतनी जगह जाना तो पॉसिबल नहीं है। तो बढ़िया से ना 7 तारीख को गढ़वाल भवन आ जाना, तो गढ़वाल भवन में मैं आपको वहीं मिल जाऊँगा। चलो भाई दोस्तों अभी ना ठीक 8 बजे का टाइम हो गया है और मैं भी निकल गया हूँ यहाँ से। और वो कहाँ जा रहा हूँ वो आपको आगे वीडियो में बताऊँगा, बहुत तगड़ी जगह जा रहा हूँ जिस चीज़ का आप लोग भी बहुत वेट कर दो ना, तो बस वहीं जा रहा हूँ। बाकी ये कुत्ते ना ऐसे भूख नहीं, क्या है बताऊँ भाई। पहले यहाँ से जाऊँगा दोस्तों मेट्रो, और मेट्रो से जाऊँगा सीधा छतरपुर, और छतरपुर से दोस्तों या तो बस पकड़ूंगा या तो देखते हैं कैसे जाऊँगा। चल अभी दोस्तों मेट्रो पहुँच गया हूँ, अब निकलूँगा यहाँ से सीधा छतरपुर के लिए। और अभी पहुंच चुका हूं दोस्तों ठीक महपालपुर में, और महपालपुर के पार्क के सामने आ गया हूं। फिलहाल पार्क में लोग अभी बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं, और इधर मंदिर वगैरह है, एक मंदिर दोस्तों इधर है और एक मंदिर दोस्तों ठीक इधर साइड को है। और यहां आने का रीजन दोस्तों ये रहे हमारे सौरभ भाई। सौरभ भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया है राहुल भाई, आप बताओ कैसे हो? बस बढ़िया यार, आपने बुलाया हम पहुंच गए आपकी सेवा में। बिल्कुल, जहां हम जाएंगे वहां आप नहीं आओगे तो ऐसे हो सकता है क्या? बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, और कैसे आप लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी मस्त हूँ। राहुल भाई को बुलाया महिपालपुर में और राहुल भाई पहुंच गए क्योंकि मेरे एक दो सामान थे जो घर में देने थे, गांव में देने थे, मम्मी के लिए फोन देना था और एक दो सामान और थे, तो राहुल भाई भी अब जाने वाले हैं तो इसलिए मैंने कहा सामान दे देता हूँ 2-4। तो राहुल भाई आए और कल सामान लेके चले जाएंगे, और कल तो वीडियो में नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरी ड्यूटी रहती है सुबह 6 बजे से, और राहुल भाई सोए रहते हैं, उस दिन भी सोए थे और कल भी सोया रहेगा मुझे पता है, तो मैं निकल जाऊँगा। तो जल्दी मिलेंगे दोस्तों वीडियो में, तब तक वीडियो देखना ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करें और उड़ा दे वीडियो को। बिल्कुल, बाकी ना दोस्तों ऐसा बंदा कहीं नहीं देखने को मिलेगा
यहाँ रह रहा है फिर भी घर पे ना माँ की चिंता बहुत ज़्यादा है। माँ के लिए दोस्तों फ़ोन वगैरह देगा घर के लिए, क्योंकि माँ के पास घर पे फ़ोन नहीं है, फिर माँ कैसे तो बात करेगी यार, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल सबको पता है, बिल्कुल फिर माँ घर से ना वीडियो कॉल वगैरह कर सकती है बढ़िया से, क्योंकि अभी माँ के पास भी वहाँ फ़ोन नहीं है ऐसा कि जिससे कि वीडियो कॉल वगैरह हो पाए। और वैसे भी आपको पता है गाँव की याद तो हमेशा आती रहेगी। बिल्कुल ये तो है, जल्दी मिलेंगे वैसे। बाकी आज सौरभ भाई आपको आज ही आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे, और कल सुबह मैं उठ गया तो कल देखने को मिलेंगे। बाकी उसके बाद सौरभ भाई क्या पता नवंबर दिसंबर के बाद ही मिलेंगे। अगर 7 तारीख मेरी छुट्टी रहेगी तो 7 तारीख गढ़वाल भवन में जरूर मिलेंगे दोस्तों। बिल्कुल अगर 7 तारीख को सौरभ भाई गढ़वाल भवन पहुंच पाए तो वहां पे मैं और सौरभ भाई सब मिलेंगे आपको, तो गढ़वाल भवन जरूर पहुंचना दोस्तों। बिल्कुल आप बिना ज्यादा से ज्यादा जो दिल्ली से वीडियो देख रहे हैं ना, गढ़वाल भवन में जरूर आना और जरूर मिलेंगे गढ़वाल भवन में। बिल्कुल तब तक वीडियो में बने रहना। और गढ़वाल भवन दोस्तों नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है झंडे वाला, तो झंडे वाले में पहुंच जाना बढ़िया से, और झंडे वाले से सिर्फ 2 मिनट की वॉकिंग है गढ़वाल भवन। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी आना गढ़वाल भवन में, और सबका मीटअप वहीं होगा गढ़वाल भवन में। बिल्कुल उसके बाद तो पता नहीं दोस्तों 6 महीने या 1 साल बाद पता नहीं कब मिलेंगे, ये तो नहीं बोल सकता मैं, पर जरूर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वीडियो देखना ना भूले। बाकी अभी दोस्तों ठीक 10 बजने वाले हैं, और अभी भी देखो यहाँ लोग ना बढ़िया से लगे हुए हैं खेलने पे, उस साइड को दोस्तों बढ़िया से वॉलीबॉल वगैरह चल रहा है। और हमारे पहाड़ों में तो दोस्तों 9:30 बजे कोई बाहर निकल के दिखा दे वही बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत डर लगता है भाई क्योंकि कोई रहता ही नहीं है, सुमसाम हो जाता है। यहाँ देखो क्या चहल पहल हो रखी है एकदम बढ़िया से। और फाइनली दोस्तों मिले हमारे नाम राशि से यानी राहुल भाई से, और राहुल भाई भी सौरभ भाई के दोस्त यानी हमारे दोस्त। राहुल भाई क्या हाल चाल है आपके? बस बढ़िया है। आपकी वीडियो देखी थी मैंने, जैसे इसके इसने डाली थी ना स्टोरी पे। अच्छा अच्छा अच्छी वीडियो थी। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। बता दो आपको शेयर किसने की थी? शेयर भी आपने करी थी ब्रो। इंस्टाग्राम पे तुमने डाली थी भाई? इंस्टाग्राम पे तो मैंने डाली थी ना। सर आपको किसने भेजी थी व्हाट्सएप में? वो तो हमारी भाभी जी ने भेजी थी। चलो बढ़िया है बढ़िया है। चलो भाई दोस्तों अभी सौरभ भाई के रूम पे भी पहुंच गए हैं, और टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है, तो चलिए अब मैं करता हूँ वीडियो को एडिट। और ये भाई लोग तो मस्त सो गए हैं सारे के सारे, तो चलिए वीडियो को रखते हैं दोस्तों इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ सबके साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं आपको एक नए और मजेदार और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।